हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शैम्पू बनाएंगे, हर्बल शैम्पू। तो पाउडर वाला तो पाउडर का पाउडर फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो शैम्पू का ही इफेक्ट देगा। तो इसके लिए हमें दो तीन चीज़ें ही लगती है, तीन चीज़ें ही। तो जैसे ये सिके का ही है, और ये रीठा है, और ये आंवला है। तो सिके का ही जैसे कि हमारे बालों को नरिश भी करती है और सिल्की भी बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सिल्की बनाती है, तो इसको मैनेज करने के लिए हम ये आंवला ले रहे हैं, क्योंकि आंवला से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं और काले से भी दिखते हैं। और बहुत दिनों के बाद हम लगाते रहे तो काले भी हो जाते हमारे बाल, लेकिन एक उम्र तक ही होता है। फिर उम्र के बाद जैसे हमारे ग्रे होने की जो क्रिया शुरू हो जाती है बालों की, तो उसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा ये आ जाता है कि थोड़ा देर से आ जाता है ग्रे होने का जो सिलसिला है, वो ग्रे बाद में शुरू हो जाता है। तो और ये जो रीठा है, तो ये रीठा शैम्पू का इफेक्ट देता है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग आता है। तो फिर हमारे बालों का जो मेल है, जो ऑयल है एक्सेस, वो सब निकल जाता है। तो इसका अगर प्रमाण ज़्यादा रहा तो ये बालों को ड्राई भी करता है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए हमने आंवला लिया है। और फिर ये गवला का चूल्हा है, जो सेंट रहता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा सेंट नहीं रहता है, तो सेंट के लिए हम ये गवला का चूल्हा ले रहे हैं। ये गवला का चूल्हा लगाने से बालों में अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो ये मैंने पाउडर बना के रखा था, नहीं तो ये थोड़ा सा बीज रहते हैं छोटे छोटे इसके, और थोड़ी सी एक गोल चकती रहती है। गवला का चूल्हा दो चीज़ें रहती है इसमें। तो गाइज, अभी हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कूट लेंगे, इसके अंदर बीजें रहती है, फिर उसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। गाइज, जैसे हम इसको गिन लेंगे, ये हमने आधा कटोरी लिया है रीठा, इसका बीज निकाल दिए हैं, ये रीठे के बीज निकाल दिए हैं, ये रीठे रहते हैं ऐसे, तो इसके बीज निकाल दिए, ऐसे निकले हैं। ये आधा कटोरी है, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाते हैं हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए फिर हम आंवला थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो जैसे ये पाउंड कटोरी है, तो ये हम पाउंड कटोरी लेंगे आंवला। तो ये जो आंवला है, तो वो दुकान में मिलता है, जो आयुर्वेदिक शॉप रहती है, आयुर्वेदिक दुकान रहती है, उसमें मिलता है। तो ये खाने वाला आंवला अलग मिलता है, और बालों को लगाने वाला उतना ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रहता है, तो बालों को लगाने वाला अलग मिलता है। दो टाइप का आंवला मिलता है, तो ये बालों को लगाने वाला आंवला है। तो ये पाउंड कटोरी लिया हमने, और फिर हम ये लेंगे एक डेढ़ कटोरी शीके का ही। ये हमारा एक कटोरी हो गया, और थोड़ा और लेंगे एक सवा कटोरी। इसकी बीजें नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये सिकाई में भी बीजें रहती है, लेकिन इसकी नहीं निकालते हम लोग, ये चिपकी चिपकी रहती है, तो किसी की निकलती है किसी की नहीं निकलती है, तो इसकी नहीं निकालेंगे। तो ये बड़ी भी फली रहती है, छोटी में भी, तो ऐसे सिक बहुत लोगों को सिक्के का ही क्या है पता नहीं रहता, आजकल के लोगों को, पहले के लोगों को पता रहता था, आजकल के नहीं। तो फली ऐसे रहती है सिक्के का ही की, आंवला तो पता ही है, और रीठा भी नहीं पता रहता शायद, तो रीठा ऐसा रहता है। इसमें साबुन का झाग बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से ये पूरे हमारे बालों का शैम्पू के जैसा ही साफ करता है। तो आज हम पाउडर फॉर्म में शैम्पू बनाएंगे। तो अब हम इसको सबको, ये जो हमारा हो गया ये, तो ये हमने इतना ले लिया है, तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे और पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। अगर आपको लगता है ये मिक्सी में इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कभी कभी किसी किसी की मिक्सी रहती है कम ज़्यादा हर्ष पार की, तो आप इसको पहले खलबत्ते में इमाम दस्ते में पीस कर भी आप इसको बाद में बारीक कर सकते हो। तो मैं भी थोड़ा सा इमाम दस्ते में इसको थोड़ा सा बारीक कूट लूँगी, उसके बाद मिक्सी में चलाऊँगी। गाइस, ये हो गया हमारा पाउडर फॉर्म हो गया अभी ये, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसको छानूंगी तो इसका कुछ पाउडर गिरेगा, और कुछ इसका थोड़ा सा लेफ्टओवर जो बचेगा तो वो मैं अलग रखूंगी निकाल के। और ये जो गवला कचूला का पाउडर है, ये भी मिक्स करेंगे। ये सुगंध के लिए है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुगंध भी देता है और नरिश भी करता है, तो इसके लिए। गाइस, ये हमने छान लिया है, तो ये हमारा लेफ्टओवर बचा है, और ये हमारा पाउडर फॉर्म है। तो इसको हम दो तरीके से लगाएंगे, अगर हमारे लेफ्ट ओवर बचता है तो हम इसको उबालेंगे गर्म पानी में,
और अगर हमारे ऐसा पाउडर फॉर्म है तो हम ये कुनकुने में पानी में भी डालकर इसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रोसीजर बता देती हूँ अभी। गाइस हमारा कुनकुना पानी है, गर्म कर लिया था हमने ये पानी को, और अभी हम इसमें हमारे बालों के हिसाब से है तो मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ इसमें। तो ये झाग आएगा इसमें, जब ऐसे हम जितना ज़्यादा इसको हाथ से रगड़ेंगे ठंडा होने के बाद या चम्मच से, तो इसे झाग आएगा। तो ये पूरा शैम्पू जैसे हमारे, और फिर अगर आपको ऐसे इसमें ड्राइनेस लगता है तो आप आंवले का जो रेशो है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि शिके का इसे भी बाल ड्राई होते हैं और सिल्की होते हैं, आंवले से सॉफ्ट रहते हैं, और इससे तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल, ये जो रीठा से है ना, तो लेकिन वो शैम्पू का इफेक्ट देते हैं लेकिन थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए हम आवड़कट्टी जो मिलाए हैं, आंवला मिलाए हैं, तो फिर अगर आपको लगता है आपके बालों के लिए ज़्यादा रूखे हैं तो फिर आंवले का रेशो बढ़ा दीजिए। तो ये जो है हमारा, ये अभी शैम्पू हमारा हो गया तुरंत वाला। तो ये हमने कुनकुने पानी में इसको डाल दिया, और अभी जो लेप्टोर है तो ये ऐसे इतने जल्दी इसमें ऐसे डाइल्यूट नहीं होगा, तो इसके लिए हमने ये जो है लेप्टोर बचा है तो इसको हमने उबालना है 10-15 मिनट गर्म पानी में, और तब जाके ठंडा होने के बाद यूज़ करना है। तो ये भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सबको पता ही रहती है कि ये भी हम 1-2 चम्मच जितने हमारा बालों का ये जो साइज़ है उसके हिसाब से लेकर आप 1 या 2 चम्मच लेकर 1 ग्लास में इसको उबाल कर उसमें फिर आप दूसरा पानी भी मिला सकते हो, और ऐसे करके आप अपने बाल इससे भी धो सकते हो। और लगाकर अब हमको 5 या 10 मिनट लगाकर रखना है, क्योंकि ये पूरा हर्बल है, नेचुरल है, तो इसका हमें बालों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इसलिए हम इसको बालों को लगाकर भी रखेंगे 5 मिनट इस शैम्पू को। तो जैसे ये कुनकुना पानी है तो ये ठंडा होने में 5-10 मिनट लगेंगे, तो और ये जो पाउडर है इसमें पूरा डाइल्यूट भी हो जाएगा, तब तक हम इसको बालों को लगाने लायक जो हमें चाहिए, ठंडा चाहिए, तो हम इसको थोड़े देर के लिए रख देंगे। और आप ठंडे पानी में भी अगर इसको भिगाते हो तो भी शैम्पू के जैसा इफेक्ट देगा, क्योंकि ये पूरा पाउडर फॉर्म में है तो ये जल्दी उसमें घुल जाता है। और गाइस जब भी हम ये जब बालों को लगाते हैं तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा बंद होना, आंखों में नहीं जाने को होना, नहीं तो ये आंखों में बहुत ज़्यादा जलता है, जो शिकेकाई रहता है, आंवला रीठा रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा आंखों को जलता है। तो इसकी वजह से आंखें बहुत ज़्यादा बंद रखना चाहिए हमें जब भी हम ये लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो। और जैसे छोटे बच्चों वगैरह है तो उनको तो यानी ऐसे इतना आंखें बंद करना पड़ता, नहीं तो वो फिर इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये आंखों को थोड़ा सा चुभता है, इसलिए अवॉइड करना पड़ता है कि आंखों में नहीं जा पाए। अब गाइस ये जो है पाउडर हमारा, तो हम अभी इसको स्टोर करके रखेंगे, हमें ये अभी जब जब चाहिए तब तब हम ऐसे ही लेंगे, इसको ठंडे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं और कुनकुने पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे अभी हम ठंडा हो गया है, हम इसको अप्लाई करेंगे अभी बालों पर, और हम इसको 2 भाग में अप्लाई करेंगे। पहले अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा जो बालों का तेल है वो निकला कि नहीं निकला है, फिर बाल धोएंगे, और फिर उसके बाद और एक बार इसको अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद तो बालों का तेल निकल ही जाएगा, क्योंकि ये इतना झाग आता है इसमें रीठे के कारण, तो पूरा तेल निकल ही जाता है। और आंवला जो है वो बालों को कंडीशनिंग करता है, तो हमें दूसरे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा हो गया अभी पाउडर फॉर्म में जो हमने शैम्पू बनाया था, तो हमारी ये प्रोसीजर हो गई है। तो गाइज़ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।